जय श्री राम। कल 22 तारीख है और हाँ, एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके साथ शेयर करनी है। निफ्टी का लेवल तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने ही वाली हूँ, बट आपने देखा होगा निफ्टी का एग्जैक्टली हाई क्या लगा है बताए, 22,124। मतलब कल की डेट है 21,01,24 और आपने देखा होगा 22,121 जो हाई लगा है। मतलब राम मंदिर की यहाँ पे जो राम जी की स्थापना होने वाली है, प्राण प्रतिष्ठा जहाँ पे होने वाली, उसी दिन मार्केट को भी छुट्टी दी गई है। तो अगला हफ्ता कैसे रहेगा, पिछले हफ्ते हमने जैसे शीतल बाकरे ने आपको बोला था एग्जैक्टली वही उथल पुथल हमने मार्केट में देखी। हमने देखा कि निफ्टी में गिरावट आई, बहुत बुरी तरीके से गिरावट आई। क्यों आई, कैसे आई, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जब मैं आपको पहले बताती हूँ ना, तो आपको तो पता है कि मेरी सारी स्टडी रेडी होती है। फंडामेंटल होने दीजिए, टेक्निकल होने दीजिए। क्रूड ऑयल का भाव जो है वो 78.60 था, वही डॉलर का भाव जो था वो 83 था, बॉन्ड एंड का इंटरेस्ट रेट जो है वो 4.13 है और विक्स का जो है रेट वो है 13.76। गोल्ड का रेट अगर देखोगे तो 61,900, वही सिल्वर जो है वो 71,400 था। अगर आप आंकड़े देखोगे, देखिए हम सामदाम दंडभेद हर तरीके से फॉलो करते हैं, और अगर आप यूएसए के हाउस सेलिंग के आंकड़े अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो 37.8 लाख हुआ है होम सेल यूएसए का आंकड़ा, जो 1995 के बाद फर्स्ट टाइम सेलिंग का जो आंकड़ा आया है ये इतना कम आया है, डेफिनेटली चिंता की बात है। काफी रिजल्ट्स हमने देखे, पिछला हफ्ता आपने देखा HDFC बैंक ने हर तरफ, मतलब जो कोई आ रहा था एक ही मैसेज या फोन करके पूछ रहा था, कोई आइडिया है HDFC बैंक के बारे में, क्यों गिर रहा है, क्या होगा। आपको बताया टाइम टू टाइम अपडेट्स आपको निफ्टी के होने दीजिए, मनी कंट्रोल ऐप पे होने दीजिए, जितने भी ट्रेडर्स हैं वो लोग अगर टीवी लगा के देखते हैं तो हर जगह पे ना टाइम टू टाइम अपडेट्स आपको मिलते रहती है। बट हमें कुछ नहीं देखना होता है। HDFC बैंक का रिजल्ट्स आपने देखा होगा, HDFC बैंक का NPA आपने देखा होगा, HDFC बैंक ने डिविडेंड या बोनस दिया है या नहीं दिया है, ये सब आपने टैली किया नहीं किया। तो जब आप ये नहीं करते हो तो आपको पूछने का कोई हक नहीं होता है कि अब वॉट नेक्स्ट के लिए ना ढेर सारी स्टडी करनी पड़ती है। जी हाँ, HDFC बैंक के रिजल्ट्स के अलावा काफी सारी चीजें ऐसी थी जो HDFC बैंक को नीचे लाने के लिए बहुत एग्रेसिवली वर्क कर रही थी, और उस वजह से हमने देखा कि एक दिन पूरा अगर देखोगे आप तो पूरा का पूरा मार्केट और बैंकिंग सेक्टर नीचे था। अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाई ऑन डीप करने की। अब सबसे मेजर सवाल है कि HDFC बैंक खरीदे या नहीं खरीदेंगे, तो मैंने आपको बहुत प्रेफरेबली बोला कि 20-25 रुपीज नीचे आता है थोड़ा सा खरीद लीजिए, 20-25 रुपीज नीचे आता है थोड़ा सा खरीद लीजिए, ऐसे करके लॉन्ग टर्म के लिए HDFC बैंक खरीदना में कोई हर्ज नहीं है। काफी अच्छे भाव पे मिल रहे, बट एक डर सा लगा हो रहता है। डेफिनेटली हम लोग हमारी सेविंग्स लगाएंगे तो डर तो लगेगा, तो इस डर के आगे आपको कैसे बढ़ना है, तो बस थोड़ा 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 करके अगर आप खरीद लोगे तो डेफिनेटली आपका लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बहुत बहुत अच्छा होगा। तो यस, डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि निफ्टी में क्यों आई है गिरावट, सेंसेक्स में क्यों आई है गिरावट, तो ये सबसे मेन रीजन था निफ्टी में और सेंसेक्स में गिरावट आने का। आपके पास है ना इजीली सारी चीजें होती है, मनी कंट्रोल का ऐप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स है वो सुबह खोल के देखते हैं, जैसे कि 256.59 पॉइंट सेंसेक्स की क्लोजिंग हुई है 71,423। निफ्टी काफी गिर चुका है, मतलब काफी अच्छा रेट आपको निफ्टी में बाइंग के लिए मिल रहा है 21,571, वही बैंक निफ्टी है 46,058.20। डेफिनेटली अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, जैसे निफ्टी का मैंने बता दिया कि लाइफ टाइम हाई और कल 22 तारीख है, ये सारे इवेंट, इवन तो एक बहुत बहुत अच्छा इंटरव्यू मैंने दिया है दिल्ली हंट के साथ, गुड रिटर्न्स के साथ, जहां पे आपको पता चलेगा, मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तु के हिसाब से और स्टॉक मार्केट के हिसाब से राम मंदिर
जब ये कोई भी चीज बनती है तो उसे कौन से प्रोडक्ट की जरूरत होती है? प्रोडक्शन करने के लिए तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो जैसे अगर राम मंदिर का वास्तु बन रहा है, कितने फ्लोर का बन रहा है, कौन से पत्थर वहां पे, बलुआ पत्थर वहां पे यूज किया गया है, कितने 13 डोर वहां पे सोने के लगे गए हैं, कौन सी लकड़ी वहां पे यूज हुई है, कौन सा सीमेंट, पावर सेक्टर्स में कौन सा वहां पे काम करेगा, इन सारी चीजों की डायरेक्शंस और काफी सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मैंने दी है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। तो यस, अगर मैं आपसे बात करूं कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी का फर्स्ट लेवल होगा 21,790 एंड नीचे का दो ही लेवल मैं आपको दूंगी। अभी भी मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, कोई भी एंगल से बहुत स्ट्रांग सपोर्ट निफ्टी ने अभी तक नहीं लिया है, बट हाँ रिजल्ट्स काफी सारे हैं, काफी सारे, मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि इतने सारे रिजल्ट्स आने वाले कुछ दिनों में है जो आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज देंगी। IDFC बैंक हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, तो ये जो सारी कंपनीज है ना, अगर आप उसके ऊपर ध्यान दोगे, जैसे कि मैं बता दूं कौन कौन का रिजल्ट है, टेक्केम का रिजल्ट है, सिप्ला का रिजल्ट है, पेट्रोनेट हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, M&M फाइनेंस, डाबर, जुबिलियन फूड, ये सब तो नाम आपको पता ही है। तो इन सब में अगर आप इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो तो अभी आज और कल का दिन आपके पास है, आपको स्टडी करके रखना पड़ेगा। ऊपर का लेवल मैंने आपको दे दिया 21,790, नीचे का लेवल है 21,325, ये नीचे का लेवल है, इन बिटवीन 21,430 के आसपास एक मेजर सपोर्ट लेगी। अगर ये तोड़ देती है तो थोड़ा और नीचे का लेवल हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हैं। तो ये था आने वाले हफ्ते का निफ्टी का व्यू। इसी तरीके से अगर आपको ट्रेड करना है, इसी तरीके से आपको फंडामेंटली बहुत परफेक्टली ट्रेड करना है, तो यस डेफिनेटली मंडे से मेरी नई बैचेस तो शुरू होती है, जिसमें मैं आपको जीरो लॉस स्ट्रेटजी, मनी मैग्नेट स्ट्रेटजी, हाउ टू अर्न मनी, ये वाली जो स्ट्रेटजी सिखाती हूँ ना, ये बहुत बहुत अमेजिंग होती है। अगर इसका फायदा उठाना है तो यस डेफिनेटली 9422705755 इस नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपना सीट बुक करके मेरे साथ विद द लाइव मार्केट मैजिक फॉर्मूले का फायदा उठा के 15 डेज में आपका फीस अर्न कर सकते हो। टिल देन गाइस, जय श्री राम।